अनाड़ी आवारा मेरा नाम जोकर श्री 420 जैसी फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले शोमैन राज कपूर ने हिंदी सिनेमा में एक नया अध्याय लिखा है। राज कपूर ने अभिनय, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और राइटिंग में हाथ आजमाया और वो इसमें कामयाब भी रहे। अपनी प्रतिभा के कारण राज कपूर को पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, 3 नेशनल अवार्ड और 11 फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। यही वजह है कि उनको हिंदी सिनेमा का शोमैन कहा जाता है। राज कपूर ऐसी पर्सनैलिटी थे जिनकी शोहरत के चर्चे सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी थे। कभी पिता के स्टूडियो में झाड़ू लगाने वाले राज कपूर की सादगी के किस्से भी इंडस्ट्री में आज तक सुनाए जाते हैं। दिलचस्प बात ये रही कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जमीन पर सोए। ये बात सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन बात सच है। उनके बारे में कहा जाता था कि वो चाहे घर में हो या बाहर, कभी बेड पर नहीं सोते थे। उनका गद्दा हमेशा जमीन पर बिछता था, उन्हें वहीं पर नींद आती थी। यहाँ तक कि राज कपूर जिस भी होटल में ठहरते थे अपने रूम में गद्दा जमीन पर बिछा लेते थे। इस वजह से कई बार उन्हें मुसीबत भी उठानी पड़ी थी। एक किस्सा लंदन का है। दरअसल एक बार राज कपूर लंदन के एक होटल के कमरे में रुके थे। उन्होंने वहां जमीन पर अपना बिस्तर लगा लिया, जिसके बाद होटल वालों ने उनको वार्निंग दे दी। लेकिन अगले दिन भी राज कपूर ने यही किया, अपना गद्दा जमीन पर बिछा लिया। इस बात पर होटल मैनेजमेंट ने उन पर जुर्माना लगा दिया। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर भले ही फिल्मों के सबसे बड़े हीरो थे, लेकिन राज कपूर को अपनी अलग पहचान बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी। राज कपूर ने पहली नौकरी अपने पिता के स्टूडियो में ही की थी। वहां वो 1 रुपए महीना सैलरी पर झाड़ू लगाने का काम करते थे। यही वजह रही कि राज कपूर शोमैन बनने के बाद भी जमीन से जुड़े रहे। ऐसे ही और दिलचस्प किस्सों के लिए देखते रहिएगा सेलेब 44। नमस्कार।